वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास हुआ है। इजलास में के पी असम्बली की करारदाद वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दी गई है। इसकी तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर से। जी शीबा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास हुआ है और इस इजलास में के पी असम्बली की करारदाद वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दी गई है। बानी पी टी आई उनके साथियों के खिलाफ मुकदमात में मतलूबा सबूत की कमी थी, करारदाद में कहा गया है। शीबा हैदर एक बार फिर हमारे साथ आ गई हैं। शीबा, आपको आवाज़ आ रही है, तो इस खबर की डिटेल बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत में काबीना का इजलास जारी है। करारदाद नंबर 35 को वफाक को भेजने की मंजूरी दी गई है। इस करारदाद का मतन है कि बानी पी टी आई 71 साल का है, उन्हें सेहत के खतरात का सामना है, इसलिए इन्हें फौरी तौर पर रहा किया जाए और बानी पी टी आई की हिरासत का आजादाना तौर पर तहकीकात कराई जाए। इसके अलावा करारदाद नंबर 50 को भी वफाक को अरसाल किया जाएगा क्योंकि काबीना ने इस करारदाद को वफाक की हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी गई है। करारदाद नंबर 50 में मुराद सईद के मुकदमात के खात्मे का मुतालबा भी किया गया है। इजलास में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत से मुतल्लिक करारदाद भी मंजूर की गई है। करारदाद में फलस्तीनी आवाम की आजादी के जद्दोजहद की मुकम्मल हमायत की गई है। इजलास में मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक करारदाद भी मंजूर की गई है जिसमें भारत की मकबूजा कश्मीर के आवाम के इस्तेहसाल को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जबकि जर्मनी में अफगान शहरियों के पाकिस्तानी कौंसिल पर हमले से मुतल्लिक करारदाद भी मंजूर की गई है। जी बहुत शुक्रिया शीबा हैदर तफसील देने के लिए।